और बड़ी खबर है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अग्नि परीक्षा है। जी हां, एनएमसी गाइडलाइन के तहत क्यूसीआई टीमों का निरीक्षण शुरू हुआ है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम 2 दिन यहां निरीक्षण करेगी। पहले दिन टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभाग, एसएमएस अस्पताल के विभिन्न वार्डों का मुआयना किया है। पायलट असेसमेंट के तहत मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली सहित विभागों में चल रहे विभिन्न कोर्सेज की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया। कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने इसे लेकर जानकारी दी है। एसएमएस के लिए गर्व की बात कि उसे क्यूसीआई निरीक्षण के लिए चुना गया है। देश भर में एसएमएस समेत 8 मेडिकल कॉलेज में यह निरीक्षण होगा। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में यह निरीक्षण बेहद अहम कदम है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एनएमसी गाइडलाइन के तहत क्यूसीआई टीमों ने निरीक्षण यहां पर शुरू किया, कितना अहम है यह निरीक्षण और इससे आगे आने वाले वक्त में कितना बेनिफिट एसएमएस को मिलेगा? देखिए, देश भर के 8 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनका चयन किया गया है क्यूसीआई निरीक्षण के लिए। ये पहली एनएमसी की तरफ से पहली बार इस तरह का ये कवायद की जा रही है जिसमें की चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एजेंसियों के थ्रू मदद ली जा रही है और उनकी जो कह सकते हैं ग्रास रूट पर जो मेडिकल कॉलेजों के अंदर किस तरह काम होता है, किस तरह की क्वालिटी होती है, किस तरह का वर्किंग स्ट्रक्चर होता है और उन मेडिकल कॉलेज अटैच अस्पताल जो है वहां पर सेवाएं कितनी सुदृढ़ है, इन सभी की जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए ये जो निरीक्षण है वो शुरू किया गया है। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जहाँ की टीमें जो है वो सभी मेडिकल कॉलेज में पहुंच रही है और आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज, उसका चयन जो है इस निरीक्षण के लिए हुआ है और यहाँ पे टीमें आज पहुंच चुकी है। अभी अगर बात करें अभी तक की, तो सुबह से टीमों ने एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर विभिन्न जगहों पर निरीक्षण किया। एसएमएस अस्पताल में जब टीम गई तो खुद वहां पर जिस तरह से मरीजों का दबाव है, जिस तरह से मरीजों का भीड़ है और जिस तरह से उनको मेहनत करने के लिए अस्पताल प्रशासन जो प्रयास कर रहा है, उन सभी चीजों को लेकर के बारीकी से देखा, समझा और साथ में उन्होंने माना भी इस बात को। टीम के जो सदस्य थे वो खुद चौकन्ने कह सकते हैं आश्चर्य हो गए थे इस बात को लेकर के कि इतनी भीड़ को मैनेज किया जाता है और वो भी पूरे दिन भर के अंदर जो भीड़ का लो रहता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उन सबकी चीजों बारे में सीखा। आप देख सकते हैं रिजल्ट में कि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के साथ में टीम के मेंबर जो है वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करके जो अस्पताल की जो बारीकी से जो व्यवस्था है जिसमें मैनेज की जाती है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है चाहे फिजियोलॉजी है, अलग अलग विभागों के अंदर भी टीमों ने निरीक्षण किया और वहाँ पे जो वहाँ के जो शिक्षण प्रणाली है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, तो उसकी जो पूरी व्यवस्था है, ऑनलाइन स्टडी को लेकर क्या क्या व्यवस्था है वो, और साथ में जो टाइम पैरामीटर जो है एनएमसी की तरफ से गाइडलाइन जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाने की, उन सभी गाइडलाइंस की फॉलो कितना हो रहा है, उन सभी चीजों को लेके एक पूरा कह सकते हैं पूरा चार्ट बन के यहाँ से जाएगा और उसके आधार पर ही पूरी रैंकिंग जारी होगी देश भर के मेडिकल कॉलेजों की। हालांकि शुरुआती जो फेज के अंदर देश के 8 मेडिकल कॉलेजों के अंदर रैंकिंग शुरू की जाएगी ताकि एक मैसेज दिया जा सके और साथ में जो मेडिकल जो स्टूडेंट है, मेडिकल एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसको भी इंश्योर किया जा सके। जी बिल्कुल विकास, तो चिकित्सा शिक्षक में क्वालिटी में और सुधार हो और इस दिशा में अगर देखा जाए तो बेहद अहम कदम है ये इंस्पेक्शन। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए।